अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कोकजे जी को मेरी 32 वर्ष की विश्व हिंदू परिषद की सेवा की शुभकामना व्यक्त कर रहा हूं। 60 साल की उम्र में सत्ता के मदमस्तों ने सत्य और धर्म को दबाया है। देश में लाखों कार्यकर्ता आक्रोश में गुस्सा में मेरा संपर्क कर रहे हैं। मेरा गुनाह क्या था? मैंने 100 करोड़ हिंदुओं की आवाज 32 साल से बुलंद की। प्रतिदिन 25-30 लाख की डॉक्टरी प्रैक्टिस 40 साल की उम्र में हिंदू समाज के लिए छोड़ी। 12 साल से मैंने घर छोड़ा है। मेरी मांग क्या थी? मेरी मांग हिंदुओं के लिए थी, मेरे लिए नहीं थी। कि संसद में राम मंदिर का कानून बने, गौ हत्या बंदी का कॉमन सिविल कोड बने, कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में अपना घर मिले, बांग्लादेशियों को बांग्लादेश मिले। मेरी मांग थी कि युवाओं को रोजगार और किसानों को कर्ज मुक्ति मिले। करोड़ों हिंदुओं की आवाज आज विश्व हिंदू परिषद में दबाने का काम हुआ है। परंतु चाणक्य जी ने कहा था कि बड़ा जंग जीतना है तो छोटी हार से गुजरना होता है। बस बड़ी लड़ाई जीतने के लिए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आज छोटी हार से गुजर रहा है। मेरा संकल्प ही रहा है हिंदू ही आगे। मैं विश्व हिंदू परिषद में था, मैं आज नहीं हूं। मैं विश्व हिंदू परिषद में 32 साल से था। हिंदू ही आगे की मांग बुलंद करता रहा, न सत्ता से दबा न चमरबंदियों से दबा, आवाज उठाता रहा। मैं आगे भी 100 करोड़ हिंदुओं की आवाज उठाता रहूंगा और हिंदुओं की, किसानों की, युवा मजदूर महिलाओं की मांग को लेकर मैं मंगलवार से 17 अप्रैल से अहमदाबाद में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठने जा रहा हूं। आई विल गो फॉर इनडेफिनेट फास्ट फॉर माई डिमांड फॉर हिंदूज, फार्मर, यूथ, वुमन एंड लेबरर्स। और विश्व हिंदू परिषद में रहकर हिंदुओं की आवाज उठाता रहा था, उठाता रहूंगा। देश के लाखों कार्यकर्ता को आह्वान है कि मेरे साथ जैसे जुड़े थे ऐसे जुड़े रहो। हम ही संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनवाएंगे। गौ हत्या बंदी का कानून और कॉमन सिविल कोड बनवाएंगे। कश्मीर के हिंदुओं को अपने घरों में बसाएंगे और किसानों को C2 डेढ़ गुना मूल्य, चुनावी जुमला नहीं, C2 के आधार पर दिलाएंगे।
आज जो केंद्र सरकार ने बात की है वो A2 की है, A2 FL की है, वो किसानों को छलने की बात है। मैं कर्ज से 1.5 गुना मूल्य C2 कॉम्प्रिहेंसिव बात कर रहा हूं। मैं मंगलवार 17 अप्रैल से इसी मांगों को लेकर अनिश्चित मुदस का उपवास प्रारंभ करूंगा और हिंदुओं को आगे ले जाने की मेरा अभियान नीचे तक ले जाऊंगा। धन्यवाद। मैं देश के करोड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ 32 वर्ष तक जुड़े रहे, अपना परिवार, अपनी संपत्ति, व्यापार छोड़कर, नौकरी छोड़कर जुड़े रहे, मैं कार्यकर्ता का ऋणी हूं। मैं दहाड़ रहा हूं वह करोड़ों कार्यकर्ता के समर्थन पर, और आज मैं एक संस्था में 32 साल की मेरी यात्रा मजबूरी से मुझे पूर्ण करवाने पर